103 बुखार है भाई। बहुत ही ज्यादा वीक महसूस कर रहा हूँ। हम पागल आदमी है, सन की आदमी है, चूतिया की गिनती ना। प्लीज आप ऐसे ईगो लिफ्टिंग ना करें। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो गलती मत करना, ये बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे नहीं आता ना, माँ कसम। सब मुझे समझा रहे हैं कि वेट ज्यादा मत मारो। ओहो, आई एम सर्चिंग इस भूल भुलैया के अंदर। सबसे ज्यादा अधिकार है आपका अपने शरीर पे। एक दिन आप हॉस्पिटल में जाके लेट हो गए, बेझिझक कल से मैं उठ के पार्क जाऊंगा। अगर जिम नहीं जा सकते तो पार्क जाओ ना यार, स्टेयर्स चढ़ो ना, वो भी नहीं कर सकते। राम राम भाई सारा ने यार, आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। आज करते ब्लॉग चालू कर दिया भाई, और आज ब्लॉग बनाने का कारण है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस कर रहा हूँ। तो कल से ही तबीयत ख़राब है, ब्लॉकेज हो रही है और फीवर हो रहा है, और फिर आकर कुछ बेवकूफ़ी करी, फिर तुरंत आते ही मैं नहा लिया, तो सब चीज़ें एकदम ठंडा गर्म होते होते तो हो गई तबीयत ख़राब। तो बॉडी में वायरल हो गया इन्फेक्शन। अभी कोल्ड है, फीवर है, लेकिन जिम जाना ज़रूरी है। सुबह का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, 10:45 हो गए, तो आँख खुल नहीं रही थी, दवाई लेके सोया था। और अभी फीवर चेक करते हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो करके, अभी आपके सामने मेज़र करता हूँ, ये बिल्कुल ज़ीरो है। और अब मेज़र करते हैं, देखते हैं कितना आता है फीवर। 103 बुखार है भाई, ये देख सकते हैं आप, 103.2, और आग लग रही है शरीर में, ऐसा लग रहा है कि अब, लेकिन जिम जाऊंगा, जिम छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे। तो बहाने जो भाई बहाने चोते हैं ना भाई, कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं जा सकते, 103 बुखार में जिम जा रहे दोस्त, तो बी कॉन्फिडेंट। हाँ, ईगो उसको थोड़ा सा त्यागें आप। मैं ना तो आज कोई स्टेरॉइड लूँगा एक्सरसाइज से पहले, ना कोई फैट बर्नर, ना कोई क्लैन, ना कोई आपका प्री वर्कआउट। हाँ, प्री वर्कआउट हल्का सा ले सकता हूँ, बाकी उसके लिए भी मैं मना ही करूँगा अगर आपको ऐसा होता है, और जिम भी आप अवॉइड करें, ठीक है दोस्त। तो अब मैं जा रहा हूँ, सिर्फ हाँ लिटिल बिट वर्कआउट लूँगा, ज़्यादा हैवी नहीं, और मन कर गया था फिर हैवी ना छोड़ देंगे भी नहीं भाई। और प्रोटीन तो लेना बनता है, क्योंकि जब आप तबीयत ख़राब होती है आपकी, तो आपकी इम्यूनिटी लो होती है, तो मसल्स टूटने लगती हैं, तो प्रोटीन इनटेक आप अपना कम ना करें। चलो चलते हैं आज धीरे धीरे जिम में। जिम में आ गया हूँ भाई, और वर्ल्ड के सबसे पहले बॉडी बिल्डर का आशीर्वाद लेके, और चाहे कितना बुखार हो जाए, चाहे कितना कुछ हो जाए, ये हल्का फुल्का प्रभावित कर सकती है, रोक नहीं सकती भाई चीज़ें। तो प्री वर्कआउट थोड़ा सा ले लेता हूँ, वैसे लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत लिटिल बिट। कौन सा प्री वर्कआउट है ढक्कन से समझ जाओ आप, दिखाना अच्छा नहीं है। तो प्री वर्कआउट टाइम आ गया भाई, और देखो जो आपका दिल करे ना वो प्री वर्कआउट लो, लेकिन वो खाज खुजली वाले मत लेना। ये जो 500-700 रुपए के प्री वर्कआउट होते हैं ना भाई, जो आपको सो कोल्ड, आपके एक स्कूप ले रहा हूँ पूरा, जो आपके सलाहकार आपको 1000 रुपए का दे देते हैं इस समय, ऐसा कोई भी प्री वर्कआउट नहीं आता यार, ठीक है। अच्छी चीज़ कोई भी लोगे इफेक्टिवली थोड़ा सा तो। और ये देखो लीवर की गोली ज़रूर लेते हैं, अगर आपके पास में पैसे हैं तो मिल्क थिसल ले सकते हैं आप, मैं मिल्क थिसल भी लेता हूँ, और लीवर 52DS, ये आप नाम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये शेकर में पानी लेके थोड़ा सा इसे फिर हिलाना है, और अब करते हैं वर्कआउट, लाइट लाइट सा वर्कआउट करेंगे। बैग में असला बारूद तो बहुत सारा है, देखो बारा पड़ा ही है, लेकिन इसमें है क्या क्या वो सारी चीज़ें आज लेनी है नहीं। चलते हैं सीधा वर्कआउट पे, शोल्डर का लिटिल लिटिल सा वर्कआउट लेंगे, कोई हैवी नहीं करेंगे ट्राई, और फिर घर पे जाके मेडिसिन भी खानी है भाई, लूँगा कॉम्बिफ्लेम। आपको पता है, ये देखो मेरे बैग के अंदर में ये अपना सामान ठूस के, और ये देखो गोलियाँ ले रहा, लाइव पकड़ा जा रहा है, देखो स्टेरॉइड लेते हुए। अरे भाई क्यों लेते हो तुम ये गंदी चीज़ें, क्यों लेते हो? देखा 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 नीचे क्या, नीचे क्या है उसके, सिर्फ एक गोली, एक गोली सिर्फ, पागल बना रहा। लेकिन मेरा पूरा बैग इनके कारणों से भी भरा हुआ है, अपना भी और इनका भी, असला बारूद कैरी करना पड़ता है भाई, और जिम बिल्कुल खाली है। प्री वर्कआउट भी मेरा ही पी रहा है, ये भगवान इस पर शर्म नहीं आ रही। ये देखो सब चीज़ें मेरी, अपना खुद कुछ नहीं लेकर आते हैं, ये देखो। और फिर भाई इतनी मतलब प्यार मोहब्बत दिखाने के बाद भी ये किसी के सगे नहीं है, देखो
क्लास में ले लिया जहर, ऐसे ही गटक जा, फाकी मार ले इसकी। तेरा भी कोई क्वेश्चन है? ये एक सेम। क्या सेम? कि आपकी जब तबीयत खराब है तो जिम क्यों आए? मैं जिम में आया हूँ, देखो मेरी बात सुनो, जिम में आया हूँ मैं, हम पागल आदमी है, सन की आदमी है, और मुझे यहाँ आने से ना गुड वाइब्स मिलती हैं। मतलब मैं यहाँ नहीं आऊँ तो मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली मैं बीमार हूँ। अभी तबीयत खराब है फिर भी आया हूँ, और मैंने बाकायदा वीडियो शूट की है और लाइव नापा है फीवर जब दिखाया, और अभी भी हीट है पूरा, और प्री वर्कआउट पी के बैठ गया हूँ, लाइट लाइट वर्कआउट करूँगा। एक बार ना मेरा पैर इतना सूज रहा था, वो व्लॉग मेरे चैनल पे पड़ा है, पैर ट्विस्ट हो गया था, मांस फट गया था, लेकिन मैंने छोड़ी नहीं मैडम जिम में। और अभी बीच में आपने एक्सीडेंट की पिक देखी होगी, उसका सारा छिला हुआ ये सब है, फिर भी जिम आया हूँ। तो जिम का चस्का ऐसा है जो छूट नहीं सकता, अगर ये छूट गया तो सांसें नहीं आती फिर मुझे, ये मेरा वेंटिलेटर भी है, सपोर्ट सिस्टम है, अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ऐसे ही गुड वाइब्स जगानी पड़ेंगी आपको अंदर से, इसे पागलपन कहते हैं। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब लड़कों को देखो जो पीते हैं, पियेंगे ये ले तू भी ये ले मैं भी, वो वाले, और सच्ची में ले रही है। एटलीस्ट हम वैसे तो नहीं है, हम अगर कर रहे हैं नशा तो सेहत का नशा कर रहे हैं, लेकिन जुनून की हद से पार होके कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे अपने अंदर चस्का जगाएं, लेकिन लिमिट में रहे, मेरी लिमिट ज्यादा भाई, हमारा लिमिटर लगना लग रहा ना भाई, हम तो उसके वक्त जो वर्ल्ड का सबसे पहला बॉडी बिल्डर है, तुम्हारे अंदर लिमिटर है ही नहीं। तो आप भी ऐसे ही करें, और प्लीज लव योर सेल्फ, लव योर फैमिली। बहुत होगी यार, कोई बहाना नहीं है, कुछ नहीं है, के तभी तबीयत खराब यार। पहला वर्कआउट डंबल प्रेस, शोल्डर इफेक्टिवली ट्रेन करेंगे, ओवर ट्रेनिंग से बचूंगा, और ईगो लिफ्टिंग से भी। पंद्रह रेपिटेशन पहला सेट, और क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई ना भाई, थारे यार की टक्कर में, जय बाबा की। तो ये है सेकंड वर्कआउट, अरे कोई कॉम्प्रोमाइज ना भाई, 103 बुखार हो चाहे 104, अरे शमशान में जाकर फुक जाऊं ना मैं पूरा, जब यकीन मानियो मर जाएगी बहन का, उठ का जाऊंगा उड़े तभी। अरे शेर नहीं, एक शेर पैदा करा कर मेरे भाई, अरे वो यो खड़ा तेरे सामने, जय बाबा। बताओ निखिल, और वेट बढ़ाते हैं, वेट लेते हैं अभी 25 किलो का डंबल। और भाई 103 बुखार हो रहा है। हाँ। तो भाई दवाई लिए है ऐसी आ गए? 103 बुखार और कुछ लिया नहीं है, देखो कैसे कांप रहा है शरीर, सर्दी लग रही है। दवाई यार तनुआ चल लगी भाई, मारी गाड़ी तनुआ चल लगी, यार मारे में पेट्रोल एक डल रहा है भाई, रामचंद्र का नाम ले लिया, हनुमान मारा साथ दे भाई, हम ना कुड़ पीछे छोड़ सके। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बाबा की। और ये रैप है ना, आप गिनना मैं भी गिनूंगा, चूतिया की गिनती ना हर बारी, जहां मेरे 5 तो इसके 3, 2, अरे मेरे हिसाब से मैंने 10 से ज्यादा मारे, इसके हिसाब से सिर्फ 8 ही हुए, 8। तो एक चीज और, प्लीज आप ऐसे ईगो लिफ्टिंग ना करें, मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहा हूं, मुझे मेरा लास्ट पता है कि कहां तक जा सकता है। यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो। सावधानी के साथ बॉडी बनाए भाई, जो ये बुखार में भाई आए है ना, तुम गलती मत करो, ये बहुत महंगी पड़ जाएगी तुम्हारे को, ये मजाक से नहीं, सच्चाई है, एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, तो चलो आ गए, पर तुम आ गए ना गलती से, ये दिक्कत आएगी, ये 100% आएगा। अगर मैं यहाँ नहीं आऊँ ना, एक्चुअली मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिल से मैं यहाँ पे नहीं आता ना, माँ कसम भाई, अपनी माँ तो बहुत प्रेम करा भाई, और उसकी कसम भाई, ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, यहाँ आ गया ना मैं, ऐसा लगता है आई एम ओके, नो वन हैज राइट टू बीट मी, आई एम द सुपीरियर वन। तो अब लेना है वर्कआउट आपको सेकेंड, दो वर्कआउट का ब्लेंड वन वर्कआउट में, फ्रंट एंड साइड रेज, बिल्कुल हाथ सीधे एंड स्लोली डाउन, बॉडी पूरी लॉक रहेगी, सिर्फ हाथों से मूव करना है, ये आपका डेल्टॉइड है ना, जब आप फ्रंट करते हो तो ये आएगा स्लो नीचे, या ऊपर स्लो नीचे, बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं आपके डेल्टॉइड, इन दोनों का ब्लेंड ही एक कहलाएगा, और पोज करना अनिवार्य है। मिलते हैं इसके बाद वाले वर्कआउट। सो अब नेक्स्ट वर्कआउट है मेरा, मैं प्लेट्स के साथ ले रहा हूँ शख्स, और ये सब मुझे समझा रहे हैं कि वेट ज्यादा मत मारो, वेट ज्यादा मत मारो, थोड़ी बहुत मान लेता हूँ इनकी भी,
तो श्रग्स लेने 12 से 15 रेपिटेशन। घर पे ना एकदम लो लो सा महसूस कर रहा था मैं, टूटा टूटा सा। लेकिन यहाँ आते ही वो एक कहावत है ना पुरानी, क्या खाड़े की चोटा खाड़े में जाया करे। तो भाई अब यहाँ इतनी हीट पैदा कर देंगे कि हीट को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो रुक सके। और साथ में आपको लेना है रियर डेल्ट का वर्कआउट, रियर डेल्ट का वर्कआउट शख्स के साथ। ओहो ऐसा वैसा पेन आ रहा है, और ऐसा डेल्ट है ना। लेकिन बॉडी कैसी आ रही है बैक, और पोज करना आवश्यक है भाई। ऐसे एक्सरसाइज खत्म हो गई फाइनली। और आई एम सर्चिंग इस भूल भुलैया के अंदर है ना, मेरा बैग है भूल भुलैया, इसमें इतना सारा सामान पड़ा रहता है। एक्चुअली मिल गया प्रोटीन, तो प्रोटीन लेते हैं अपना। आप कुछ भी करें लेकिन प्रोटीन इनटेक आपका कम ना हो। अगर आप पाउडर फॉर्म में नहीं ले सकते तो नेचुरली फॉर्म में अगर आप ले सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है प्रोटीन, अच्छी डाइट लें ठीक है। उसके अंदर आप प्रोटीन अवेलेबल आपके सोया से होगा, पनीर से होगा, एग से होगा। प्रोटीन पीना ना भूलें, प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की जो रिपेयरिंग सिस्टम उसको बढ़ाती है। आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज मैंने लिया शोल्डर का वर्कआउट, शोल्डर और थाई था, लेकिन अब 103 बुखार है तो इतना ही बहुत है, ज़्यादा भी दिक्कत देना शरीर को ठीक नहीं है। तो वर्कआउट का एंड करें, पानी बीच बीच में पीते रहें आप, और कोई भी स्टेरॉइड, कोई भी प्री वर्कआउट, कोई भी, अगर आप कैफीन भी बॉडी में डाल रहे हैं लेकिन अगर आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं है तो उन सबका प्रयोग ना करें आप। टिप ऑफ द डे यही है, और अच्छा खाएं, अच्छे रहें, स्वस्थ दिखें। सबसे ज़्यादा अधिकार है आपका अपने शरीर पे अच्छा दिखने का, क्योंकि ये वो भगवान का दिया हुआ तोहफा है, जिसे आप इसे भी अगर केयर करके नहीं रख सकते ना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। 24 घंटे में अगर आधा घंटा भी आपके पास नहीं है तो क्यों व्यर्थ कर रहे हो यार इस जीवन में। एक दिन आप हॉस्पिटल में जाके लेट हो गए ना, जब आपको याद आएगी, ओ माय गॉड काश मैंने मेहनत कर ली होती, ए भगवान आज घर भेज दे, कल से मैं उठ के पार्क जाऊंगा, कल से मैं डाइट पे ध्यान दूंगा, कल से मैं वर्कआउट करूंगा, तो उस एक दिन के इंतजार में क्यों है दोस्त। उस डॉक्टर को बिल देना, इतना सेहत पे ध्यान देना मेरे भाई। अगर जिम नहीं जा सकते तो पार्क जाओ ना यार, पार्क नहीं जा सकते घर में करो ना योगा, घर में नहीं कर सकते घर पे स्टेयर्स चढ़ो ना, वो भी नहीं कर सकते। सो जस्ट ईट हेल्दी फूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोज के लिए, ऐसी टिप्स के लिए चैनल है, उस पर प्यार दे दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर लव। जय श्री राम, जय गौ माता की।